नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। खबर की शुरुआत में इस तस्वीर से करना चाहूंगा जो प्रियंका गांधी की सामने आ रही है, जहां पर हनुमान मंदिर में जाते हुए प्रियंका गांधी दिखाई दे रही। इस शब्द का, हनुमान जी का मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल हनुमान जी को लेकर लगातार बीजेपी, अगर बात की जाएगी, कर्नाटक चुनाव में उतरते हुए दिखाई दी। स्मृति ईरानी ने कई इल्जाम लगाए प्रियंका गांधी के ऊपर। इनडायरेक्टली बताने की ये कोशिश की जा रही थी कि प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस की अगर बात की जाए, एंटी हिंदू पार्टी है, जहां पर कई इल्जाम प्रियंका गांधी के ऊपर लगाए गए। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाएगी, ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि बजरंग बली को बंद करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहले श्रीराम को बंद करने की कोशिश की कांग्रेस ने, उसके बाद अब बजरंग बली को बंद करने की बात कर रही है। आज प्रियंका गांधी की यह तस्वीर, जो कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल पर भी चलते हुए दिखाई दे रही है, साफ करती है कि धर्म पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। धर्म हर किसी का होता है। हर कोई इंसान अपने अपने धर्म को अपने तरीके से मानता है। जरूरी नहीं जिस तरीके से आप अपने धर्म को मानते हैं, दूसरा भी उसी तरीके से धर्म को माने, और आपकी ही आस्था सबसे ऊपर है, यह भी नहीं कहा जा सकता। प्रियंका गांधी जीतने के बाद कर्नाटक चुनाव हनुमान मंदिर जाते हुए दिखाई दी। दरअसल दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको स्मृति ईरानी की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जहां पर स्मृति ईरानी कई बातें, कई इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही। इसके बाद तेजस्वी यादव का भी वीडियो सुन लीजिएगा, जहां पर तेजस्वी यादव बीजेपी पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए और बताते हुए दिखाई दिए कि शायद 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिवकुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? भगवान बजरंग बली जो है वो नाराज हैं बीजेपी पे। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय अगर बात की जाए कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की बुरी हार के बाद लगातार सोशल मीडिया पे कई वीडियो बजरंग दल और बीजेपी को लेकर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने बजरंग दल को बचाने के लिए उसे एक धर्म से जोड़ दिया था। मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहूंगा एक बार और, पिछली कई वीडियो में मैंने पूछा आपसे, क्या सच में कोई दल धर्म को चलाने के लिए जरूरी होता है? क्या किसी धर्म को किसी दल की जरूरत होती है? मैंने इससे पहले कई एग्जांपल देने की कोशिश की थी, आपको बताया था, जब भी धर्म को बचाने के लिए कोई भी दल बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं दल इनडायरेक्टली किसी और चीजों में भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि बजरंग दल की अगर बात की जाए, गूगल में आपको कई स्टोरीज मिल जाएंगी जहां पर हंगामा देखने को मिला है बजरंग दल को लेकर। ऐसे में PFI पर जो बैन लगाया गया था बीजेपी की तरफ से, उसके साथ ही कांग्रेस ने यह कहा कि बजरंग दल पे भी बैन लगाया जाएगा और PFI पे जो बैन लगाए उसे बैन ही रखा जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा बजरंग दल को एक धर्म से जोड़ दिया। क्या सच में बजरंग दल को एक धर्म से जोड़ना सही है? मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहूंगा, क्या सच में किसी धर्म को चलाने के लिए किसी संगठन की जरूरत होती है? और आज प्रियंका गांधी हनुमान मंदिर में जाते हुए दिखाई दी, इसका मतलब ये साफ किया जा सकता है कांग्रेस के तरफ से बजरंग दल को किसी धर्म से जोड़ा नहीं गया था। प्रियंका गांधी की आस्था जो है वो उनका खुद का विषय है, वो जाते हुए मंदिर में दिखाई दी, जो कि गोदी मीडिया चैनल्स भी चलाते हुए दिखाई दे रहे। धार्मिक मुद्दों के जगह पे अगर बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर मुद्दों पे बात कर ली होती जनता के, तो शायद आज इतनी बुरी हालत बीजेपी की कर्नाटक के अंदर देखने को ना मिलती। इससे यह भी बात साफ होती है कि 2024 में आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का रास्ता कुछ तो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस कुछ ही राज्यों में सिमटी हुई दिखाई दे रही थी, वो आज उभरते हुए दिखाई दे रही। लगातार नई कांग्रेस देश में आते हुए दिखाई दे रही, नई तरीके की ऊर्जा कांग्रेस में पैदा हो रही है। अगर इसी तरीके से चलती रही तो कांग्रेस 2024 में बहुत बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नीचे एक निःशुल्क बटन है लाइक का, उसे लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लगातार आपके बीच में ऐसी खबरें लाता रहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।